है ना। तो ब्रिज प्रिंसिपल क्या बोलता है, साल ऑफ पोटेंशियल, यानी ड्रॉप इन द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, वायर का जैसे ये पोर्शन है, ये पोर्शन है या ये पोर्शन है, अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, यानी जिस दैट पोर्शन की तो यहां तक पोटेंशियल फॉल हुआ, तो इसका जितना भी लेंथ है तो पोटेंशियल जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे होता है, L के, L V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, यानी वही पोर्शन जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पूरा लेंथ नहीं, पूरा नहीं सिर्फ इस पोर्शन, और इसको अपने V इज इक्वल टू के एल, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, यहां से लेके यहां तक कितना पोटेंशियल है, के का वैल्यू किसके बराबर होगा, के बराबर वी ए बी, वायर के संयोजन से अक्रॉस कितना पोर्शन डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, तो टोटल लेंथ कितनी 400 सेंटीमीटर है ना, ये 7 भी हो सकती है, 700 सेंटीमीटर भी हो सकती है, इसको मैं कैपिटल एल से लिख देता हूं, समोरल का मतलब जहां बैलेंसिंग लेंथ मिली है, कैपिटल एल का मतलब पूरी वायर की जितनी भी लेंथ है, वो आपने 4 वायर का ब्रिज लिया है या 7 वायर का लिया है, ठीक वो के इज इक्वल टू दिस, ओके ठीक, बाकी बात है, एक और आएगा नहीं सर।